जी नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास इन जीके पर। देखो, आपके लेब स्टेन के अंदर साइंस वालों के एक जो पोर्शन है वो पोर्शन जुड़ा हुआ है यहाँ पे करंट अफेयर्स। कौन सा पोर्शन जुड़ा हुआ है? एक यहाँ पे करंट अफेयर्स, मतलब आपके राजस्थान के अंदर जो आपकी समसामयिकी है वो आपके यहाँ पे टॉपिक जुड़ा हुआ है। अब बात करें यहाँ पे कि सर करंट अफेयर्स है वो आपको कहाँ से पढ़ना है और कब से कब तक का पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब डेली रूटीन के अंदर जो नई चीजें आपके आती हैं वो चीजें आपको स्पेशल रूप से क्या करनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है। तो करंट अफेयर्स के अंदर देखो यहाँ पे आपको एग्जाम है, उस एग्जाम से 6 महीने पहले तक का पढ़ना पड़ता है। तो 6 महीने पहले तक का मतलब आप 2022 के अंदर जितनी भी आपकी चीजें बनी है यहाँ पे वो सारी चीजें इस पे यहाँ पे जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा ओलंपिक से रिलेटेड, अभी जो ओलंपिक हुए थे उन ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको जरूर पढ़ने, मतलब करंट अफेयर्स के अंदर आपको जनवरी से लेकर लगभग आपके एग्जाम है उस एग्जाम से 10 दिन पहले तक, जैसे कि आपके मान लो एग्जाम 28 या 29 जून को है तो आपको क्या करना है कि जो करंट अफेयर्स पढ़ना है वो आपको 15 जून तक का क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो ध्यान में रखना एग्जाम से 6 महीने तक के पहले का करंट अफेयर्स पढ़ना है और हाईलाइट के तौर पे आप ओलंपिक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको कवर करने। इसके अलावा जिनकी स्पेशल रूप से जो बुक्स है और कुछ राइटर्स होते हैं जो लेखक होते हैं वो आपके विशेष रूप से यहाँ पे पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब ओलंपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने बुक्स, और इसके अलावा इनके जो लेखक है हाल फिलहाल में कुछ बुक्स है उनके लेखकों के बारे में बताया गया या फिर उनको पद्मश्री या फिर पद्म विभूषण आपके जो पुरस्कार मिला है तो उन लेखक और बुक्स का नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स की डेली क्लास आपको कहाँ से लेनी है तो आपको पता होगा उत्कर्ष का ये जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपके नरेंद्र सर है, ये नरेंद्र सर आपके डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और बहुत ही शानदार पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अब करंट अफेयर्स के अंदर आपको क्या करना है कि इनकी जो 1 घंटे की क्लास होती है उस 1 घंटे की क्लास के अंदर आप करंट अफेयर्स की एक अलग से अपनी नोटबुक डाल लो, अलग से नोटबुक डाल लो, उसके ऊपर डेट लगा दो। मान लो कि आज आपके यहाँ पे 1 मई है तो 1 मई का आप करंट अफेयर्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पूरा डिटेल्स में आपको जैसे समझ में आता है वैसे तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि क्लास भी आपके बहुत ही कम समय के अंदर कंप्लीट हो जाए और उसका नोट्स बन जाए, क्योंकि रिविजन करने में आपके आसानी रहेगी। तो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो तो साथ साथ में उसको नोट करते हुए चलना, एकदम शॉर्ट में चलना कि आपको चीजें पता चल जाए भी इसमें क्या चीज कंप्लीट हुई है या फिर कौन सी चीज ऐड हुई है। तो आप ये क्लास आप आज से जरूर ज्वाइन कर लें और जहां तक हो सके आप जनवरी से लेकर आपके जून से पहले पहले का जितना करंट अफेयर्स है आप जरूर पढ़ें। और जो बेस्ट क्लास रहेगी आपके ये आपकी नरेंद्र सर की क्लास रहेगी यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान के समसामयिकी के अंदर ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का समसामयिकी आपके करवाया जाता है और आपके सिलेबस के अंदर राजस्थान समसामयिकी का एक टॉपिक है, ठीक है। वर्ल्ड का, इंडिया का आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसके अलावा ओलंपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप जरूर पढ़ लेना और बुक और जो लेखक है उनके वो भी आप जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अंदर आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट्स करें। एक ध्यान में रखना करंट अफेयर्स आप नोट जरूर करते हुए चलना, हर क्लास का हर दिन आप ये आदत डालो कि करंट अफेयर्स आप लिखो, क्योंकि करंट अफेयर्स के द्वारा आपके जीके का पोर्शन है वो भी बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं ये आपके जीके के साथ में, सॉरी जो करंट अफेयर्स के साथ में जीके को, मतलब जो आपके हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गए, उसको भी जोड़ के साथ में चीजें बता रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन होगा कि आप ये क्लास यहाँ पे जरूर ज्वाइन करो और इसके अलावा और भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप टाइप जरूर करें। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।